तो भाई स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की ये वीडियो है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि जो अभी फिजिकल हो रहा है उसके बाद आप लोगों का मेडिकल और टेस्ट होगा। ठीक है, तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ होती है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा मेडिकल जब हुआ था तो मेरा सिरसा हुआ था, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बता देता हूँ, और क्या चीज़ें मतलब जो गलती की थी मैंने वो आप लोग मत करना। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम जाएंगे वो पहले फॉर्म देंगे आपको, वहीं के आसपास कोई हॉस्पिटल के आसपास कोई शॉप होगी CSC की या कोई और, तो आपको वो मेडिकल की एक फाइल सी दे देंगे, फॉर्म दे देंगे आपको, वो भरना। सबसे पहले भर के अपने फ़ोटो ले जाना, 10-1 फ़ोटो लेके जाना वहाँ पे साथ में, और अपने पेन पुन तो साथ में लेके जाना ही है। ठीक है, हर किसी को अपना फार्म जब बिल्कुल जब पहले अपना फार्म ही भरना। उसके बाद आपको सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराना है, जो अपना ब्लड टेस्ट होता है ना, सबसे पहले वो टेस्ट कराना, क्योंकि उसमें लगता है टाइम। तो फाइल जब हमारा हुआ था, मैंने ब्लड टेस्ट लास्ट में करवाया था और मेरी ज्वाइनिंग फिर 1-2 दिन लेट हुई थी, तो इसलिए अगर जब भी जाओ आप मेडिकल देने, अब जो हरियाणा पुलिस की हो रही है उसके लिए, तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। ठीक है, ब्लड टेस्ट में आपका HIV, हेपेटाइटिस और ये जो छोटे मोटे हैं वो होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, ये RBC, ये वाइट ब्लड सेल जो भी है इनकी, मतलब वो देखेंगे कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर नहीं आई तो आपका वापस हो जाएगा। ये मत सोचना कि हाँ भाई हमारा पॉइंट बना दिया, हमें निकाल दिया, तो भाई वो बाद में वापस हो जाएगा, 1-2 दिन बाद भी हो जाएगा, जो टेस्ट होता है मेडिकल होता है तो 1-2 दिन बाद भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया हमारा ब्लड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप कराना जो बोन का है ना, जो ऑर्थोलॉजिस्ट है उसके पास जाना, फिर वो कराना अपना, और फिर वह जो आपका चेस्ट का है, एक्सरे है, आपकी हार्ट बीट है, आपके कान हैं जो चेक करेंगे। ठीक है, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हो रही, पहले तो डॉक्टर वो भी चेक करेंगे, वैसे तो चेक नहीं करते कि हाँ भाई आप दिखाओ कहाँ पे हाथ पैर पे लगी है, वैसे चेक नहीं करते। ठीक है, नोकनी भी बहुत रेयर चांस होते हैं कि हाँ भाई चेक करते हैं, नोकनी चेक नहीं करते, और ना ही जो ये हाथ मिलते हैं ना ये भी चेक नहीं करते, बहुत रेयर चांस करेंगे और पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसमें पॉइंट कम ही बनाते हैं। ठीक है, और आइज़ चेक करेंगे भाई, मैंने पहले ही लेज़र करा ली थी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का चल जाता है कि 0.5 है, 1 तक चल जाता है लगभग। ठीक है, लेकिन मैंने करा लिया था, पहले ही करा लिया था, तो क्योंकि बाद में जब कराएंगे ना, जब मेडिकल में पॉइंट बनेगा उस टाइम पे कराओगे तो दिक्कत आएगी जब ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि उसी टाइम ट्रेनिंग शुरू होनी है और आप लोगों को रेस्ट चाहिए होता है कम से कम 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ रेस्ट चाहिए होता आप लोगों को, नहीं तो फिर मेडिकल रेस्ट लेके आना, आप मेडिकल रेस्ट ले लेना 1 महीने का, और ज्वाइनिंग हो ना तो उसके 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके साथ ज्वाइनिंग होगी, ये भी पंगा है। क्योंकि अगर पहले करा लोगे तो ये है कि उसी बैच के साथ आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और अगर मेडिकल रेस्ट लिया है 1 महीने का तो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसके साथ आपकी ट्रेनिंग होगी, बीच में ऐसी ट्रेनिंग में नहीं भेजेंगे कि आप अकेले ट्रेनिंग करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछ रहे थे, मेरे पास कमेंट आए थे प्राइवेट पार्ट का, तो भैया आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक होगा वहाँ पे। ठीक है, जो बवासीर होती है या फिर जो और चीज़ें होती है ना वो आपका डॉक्टर चेक करेगा भाई। ठीक है, और कुछ कहा था मेरे पास कमेंट कि लेज़र में कितना कुछ खर्चा आया और कौन सी लेज़र कराई, तो मैंने लेसिक लेज़र कराई थी भाई। ठीक है, उसमें मेरा खर्चा आ गया 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ गया था, और दवाई है वो अलग से, दवाई लेनी होती थी ना, ठीक है, वो अलग से मैंने हिसार से कराया था। ठीक है, मैंने तो 4-5 महीने पहले ही करा लिया था। ठीक है, अभी इतनी दिक्कत नहीं हुई ट्रेनिंग में, बस रेडनेस होती थी क्योंकि वहाँ पे धूल उठती थी तो उसकी वजह से रेडनेस होती थी, तो अपनी जो दवाई है ना जो डालते हो आँखें में वो साथ लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि जब रेडनेस होगी ना तो रात को और सुबह अपने आँखों में दवाई डाल के फिर सोना। ठीक है, और सुबह भी अपने आँखों में दवाई डाल के फिर अपने पिट्टी परेड में वहाँ पर जाना। ठीक है, तो मेडिकल के अकॉर्डिंग तो यही बातें हैं, और अगर कुछ बात रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट में कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा जो भी बात होगी मेडिकल से रिलेटेड। और एक ने कमेंट किया था कि जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, कैसी जॉब है कैसी नहीं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, अभी तो ये मेडिकल की वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।